हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन द क्लास ऑफ साइंस क्लास सिक्स एंड वी आर इन चैप्टर नंबर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया था हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा साथ ही साथ प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट हैं प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्लांट के डिफरेंट पार्ट में हम लोगों ने स्टेम के बारे में स्टडी किया था जिसमें हम लोगों ने स्टेम की प्रॉपर्टीज़ और स्टेम के फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से स्टेम प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और वाटर वाटर और फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है स्टेम करता है आज हम लोगों को इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है और आज हम लोग यहाँ पर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट लीफ के बारे में पढ़ेंगे आप सभी लोग सोच सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं कि विदाउट लीव्स हम प्लांट्स को इमेजिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते नहीं कर पाते माय डियर स्ट्रेंड्स अगर प्लांट्स में लीव्स नहीं होंगी तो हम कहेंगे प्लांट है ही नहीं सो लीव्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है इसके बारे में भी आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लीफ, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज़ सेप एंड कलर माइड्रेंड्स आप अपने घर में ही अगर आपके पास बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं फ्लावर प्लॉट्स में लगे हुए हैं या आपके आस पास आप किसी भी लोकेलिटी में विजिट करते हैं वहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स अगर आप देखते हैं तो आपको क्या करना है आपको उनकी लीव्स को ऑब्जर्व करना है यू हैव टू ऑब्जर्व लीव्स ऑफ सम प्लांट एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर वो किस तरीके की दिख रही हैं उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है एंड माई डिस्ट्रेंड्स वॉट विल यू फाउंड आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज सेप एंड कलर क्या सारी लीव्स सेम साइज की हैं सेम कलर की होती हैं या सेम सेप की होती हैं सो माई डिस्ट्रेंड्स नो आप सभी लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसका स्ट्रक्चर अलग होता है उसका सेप अलग होता है उसका कलर भी अलग होता है सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में हाउ आर लीव्स अटैच टू दी स्टेम लीव्स कहाँ से अटैच uh, होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स स्टेम से अटैच होती हैं माई डे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फिगर सेवन पॉइंट टू में देख सकते हैं ये स्टैम आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर अभी हम पेंसिल से डूडलिंग कर रहे हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लीव्स होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं स्टैम से कनेक्ट होती हैं लीव्स आर कनेक्टेड विद दी स्टैम सो ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे इस पिक्चर को आप ध्यान में रखेंगे और जो नेक्स्ट पेजेस पर जो लीव के बारे में दिया है उसको पढ़ते चलेंगे और यहाँ से उसको कंसिडरेशन भी करते चलेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा नाउ माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आगे दिया हुआ है पार्ट ऑफ लीफ वाई विच इट इज अटैच्ड टू कॉल्ड पेटियोल उस पार्ट को क्या कहते हैं पेटियोल कहते हैं यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे स्टेम से जो पार्ट कनेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पेटियोल द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना जो आउटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है लेमिना देखते हैं यहाँ पर आ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है लीफ का आप इसको कंसीडर कर सकते हैं सपोज दिस इज़ दी स्टेम ये क्या है स्टेम है तो ये वाला पार्ट जो कहलाएगा ये जहाँ से लीफ कनेक्ट है इसको क्या कहते हैं पैटियोल कहते हैं दिस पार्ट इज़ वॉट पैटियोल एंड दिस ब्रॉड स्ट्रक्चर ये जो आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जहाँ पर हम पेंसिल चला रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा माई ड्रेंड्स ये स्ट्रक्चर कहलाएगा लेमिना दिस इज कॉल्ड वॉट लेमिना ये प्लांट का लीफ uh, का क्या है लेमिना और हर एक लीफ uh, का अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को विजिट करते हैं लीफ को विजिट करते हैं देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या फाएँगे उसका जो लीफ का जो लेमिना है उसका सेप ही अलग अलग होगा लेमिना का सेप ही अलग होगा नाउ नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर दिया हुआ है कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन दी इन प्लांट्स अराउंड यू डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल क्या सारी लीव्स में पेटियोल्स होते हैं और क्या सारी लीव्स पेटियोल के थ्रू ही स्टेम से कनेक्ट होती हैं और यहाँ पर दिया हुआ है क्या आप किसी भी प्लांट को जब विज़िट करेंगे ऑब्ज़र्व करेंगे सो तो क्या आप उसमें उसके ये पार्ट्स पैटियोल लेमिना आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं तो माई डेयर स्टूडेंट्स आई थिंक कि आप लोग इसको इजीली ऑब्ज़र्व कर पाएंगे आइडेंटिफाई कर पाएंगे माई डियर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं आपकी बुक में भी ये फिगर सेवन पॉइंट एट दिया हुआ है इसमें भी एक लीफ का स्ट्रक्चर बताया हुआ है और आउटर सर्फ जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है आउटर स्ट्रक्चर उसको नेम दिया है लेमिना दिस इज दी स्टेम एंड स्टेम और लीफ को कनेक्ट करने वाले पार्ट को कहा जाता है पैटियोल सो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप लोग अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में अपनी फेयर नोटबुक में आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ड्रा करते आना चाहिए साथ ही साथ इसमें कुछ और पार्ट्स भी होते हैं उन पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे ये जो आप देख रहे हैं इस लीफ में जो इस तरीके से एक बीच में एक लाइन होती है जिस इस तरीके से आपको दिखाई देती है इसको कहते हैं रिब दिस पार्ट इज नॉन एज वॉट रिब इसको क्या कहा जाता है मिड रिब कहा जाता है और साथ में जो आप इस तरीके से अदर स्ट्रक्चर्स देखते हैं ये साइड वाइज जो आप बेनेशन देखते हैं इनको कहते हैं वेंस ये क्या कहलाती है हैं फ्रेंड्स ये कहलाती हैं वेंस ऑफ दी लीफ ये वेन कहलाती हैं तो इस तरीके से फाइव पार्ट्स आप लोगों को मेंशन करते आने चाहिए किसी भी लीफ में स्टेम पैटियोल लेमिना वेन एंड रिप और माइडेस्टफ्रेंड्स आप लोगों ने अदर अलग, अलग 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 तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे लीव्स uh, के तो आप लोगों ने अगर ग्रीन ग्रासेस को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर उनका दिखाई देगा जिसमें आपने देखा होगा कि जो बेनेशन होता है अदर प्लांट्स uh, की लीव्स में वो इस तरीके से साइडवाइज आपको देखने को मिलेगा uh, और यहाँ पर कुछ प्लांट्स अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से वर्टिकल uh, वेन्स आपको देखने को मिलेंगी तो इस तरीके की अलग अलग लीफ के स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करते भी आने चाहिए और आपने इनको देखा भी होगा सो so, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन्हीं लीव्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स आगे आपकी बुक में यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है एक्टिविटी नंबर थ्री आप यहाँ पर लीफ का इम्प्रेशन ले सकते हैं आपको करना क्या है पुट अ लीफ अंडर अ वाइट सीट ऑफ पेपर और सीट इन योर नोटबुक होल्ड इट इन अ प्लेस सच एज़ इन फिगर आपको इस तरीके से देख रहा है आपको उसको नीचे की तरफ रखना और उसके ऊपर आपको क्या करना है इस तरीके से पेंसिल रब करनी है आप लोगों ने कभी कभी uh, सीखा भी होगा क्वाइन के इम्प्रेशन लिए होंगे आप लोगों ने तो बट यहाँ पर आप लोगों को लीफ का इंप्रेशन आपको लेना आप देखेंगे जब आप इस तरीके से पेंसिल से इम्प्रेशन लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगेगा लीफ का स्ट्रक्चर आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं लीफ के वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे दीज लाइन्स ऑन लीफ आर कॉल्ड वेंस ये लाइन्स uh, जो uh, क्या ये लाइन्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कहलाएंगी वेंस कहलाएंगी एंड दी प्रोमिनेंट लाइन इन दी मिडल जो मिडिल में जो लाइन होगी आप इस तरीके से देखेंगे ये क्या कहलाएगी मिड रिप कहलाएगी सो दीज आर दी बेसिक फाइव पार्ट्स ऑफ अ लीव स्टैम इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ बट पैटियोल से ये सारे पार्ट्स आपके क्या होंगे लीफ के ही पार्ट कहलाएंगे बट स्टेम इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी है आप लोगों को स्ट्रक्चर में कि जो लीफ है वो पैटियोल के थ्रू किससे कनेक्ट होती है स्टेम से कनेक्ट होती है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर इस तरीके से पैरेलल बैनेशन है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से वर्ट, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे वेंस का तो यहां पर यह क्या कहलाएगी मिड रिब कहलाएगी दिस इज वॉट आउटर स्ट्रक्चर दैट मीन्स लेमिना और ये जो आप देखते हैं अदर जो लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी ये भी क्या कहलाएंगी वेंस कहलाएंगे सो so, स्टूडेंट्स अगर आप देख सकते हैं कि मिड मिडरेप के साइड वाइज अगर आपको यहाँ पर वेंस देखने को मिल रही हैं तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं ये लीफ वेनेशन कहलाता है और इफ़ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द वेनेशन इज वॉट रेटिकुलेट तो इस तरीके का जो वेनेशन होगा वो क्या कहलाएगा माइडेज फ्रेंड्स रेटिकुलेट वेनेशन कहलाएगा और इस तरीके से अगर आपको रिप uh, के अलॉन्ग uh, साइड आपको अगर वेनेशन देखने मिलेगा तो ये कैसा वेनेशन कहलाएगा माइडेज फ्रेंड्स पैरेलल वेनेशन कहलाएगा आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ वेनेशन के बारे में दिया हुआ है। दी डिजाइन मेड बाय वेंस इन इज कॉल्ड लीफ वेनेशन इसको लीफ वेनेशन कहेंगे जो भी डिजाइन बनती है लीफ में उसको लीफ वेनेशन कहेंगे और ये दो टाइप की होती है एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल अगर आप नेट लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे साइड वाइज देखेंगे तो वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाएगा और बैंस जो अदर वेन्स हैं वो मिड रेप के अगर पैरल है तो वो क्या कहलाएगा पैरल वेनेशन कहलाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स फिगर नंबर सेवन पॉइंट वन जीरो लीव बशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से पीपल ट्री की जो लीव्स है यहाँ पर दिखाई है और ये ग्रीन ग्रासेस आपको यहाँ पर दिखाए हैं इसमें आपको इजीली रेटिकुलेट वेनेशन और पैरल वेनेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा नाउ माइडे स्टूडेंट्स वॉट आर दी फंक्शंस ऑफ लीफ लीफ के फंक्शन क्या हैं सो माइडे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिविटीज दी हुई हैं आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं लीफ का जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉट वाटर एंड मिनरल्स ये uh, वाटर को एवोपरेट करने में क्या करती है हेल्प करती है फूड मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करती है ये क्या करती है लीव्स क्या करते हैं प्लांट्स की वाटर जो स्टेम के थ्रू ऊपर आता है ट्रांसपोर्ट होकर के आता है उसको यूटिलाइज़ करती हैं और फोटोसिंथेसिस की जो आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ रखी है उसको ये लीव्स परफॉर्म करती हैं यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के बारे में दिया है लीव का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन दी फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। लीव क्या करती हैं वाटर uh, को एवॉपरेट करने में हेल्प करती हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं आपकी बुक में पेज नंबर फिफ्टी सिक्स पर ये डेफिनेशन दी हुई है इसके साथ ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा पढ़ा था कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस uh, कहते हैं सो माय डियर डेस्ट्रेंड्स एज इन चैप्टर नंबर टू आप लोगों ने उसको पढ़ा था कि जो पोटैटो है उसमें स्टार्च का टेस्ट कैसे किया जाता है सो so, आप लीफ में भी स्टार्च का टेस्ट करके देख सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि लीफ से में स्टार्च होता है या नहीं होता है सो माई डिफ्रेंड्स यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है लीव प्रिपेयर देयर फूड इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रजेंट इन दैम फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो सिंथेसिस ये प्रोसेस क्या कहलाती है फोटो सिंथेसिस होती है और जो फूड प्रिपरेशन की जो साइट होती है वो क्या है लीव्स से ऑक्सीजन इज गिवेन आउट इन दिस प्रोसेस दी फूड प्रिपेयर बाई लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लाट्स तो लीफ का ही ये फंक्शन है लीफ ही प्लांट्स uh, में फूड प्रिपरेशन का काम करती है सो माइड फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पूछा जाता है यहाँ पर जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से दो ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या है लीव का स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करते बनने चाहिए लीफ के डिफरेंट पार्ट्स आपको लेवल करते आने चाहिए और दो तरीके के जो वेनेशन हैं रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरल वेनेशन ये आप लोगों को पता होना चाहिए और साथ ही साथ लीफ के जो इम्पोर्टेंट टू फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पहला है ट्रांस ट्रांसपिरीशन दैट मीन्स देशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज़ वॉट फोटोसिंथेसिस ये दोनों फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है माय डियर स्टूडेंट्स लीव्स परफॉर्म करती है सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने प्लांट के एक और पार्ट के बारे में स्टडी किया आज हम लोगों ने लीफ के बारे में स्टडी किया है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और डिफरेंट पार्ट्स रूट के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे रूट के बारे में पढ़ेंगे रूट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे रूट के फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सो माई सो माई फ्रेंड्स आई होप आज की क्लास आप लोगों को uh, समझ में आई होगी जो भी हम लोगों ने आज स्टडी किया लीफ के बारे में आप लोगों को उसको समझ में आया होगा सो माई डे फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज क्लास सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट कंटेंट थैंक यू हैव डे